बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं उनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी आप लोगों को। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हम अपनी कुछ जो रिमेनिंग टर्म्स थी उन्हें कंटिन्यू करेंगे। सो यस, द टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। What information do we get by knowing the speed of a moving object? So वो कह रहा है कि जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है कि उसकी मोशन, उसकी कि वो कितनी तेज़ी से जो है वो मूव करेगी। स्पीड का क्या मतलब कि वो कितनी तेज़ी से हरकत करेगी, मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान बात करें, सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में वो कितनी स्पीडली, कितना जल्दी कवर करेगी, दैट रिप्रजेंट्स बेसिकली आ स्पीड। So, speed of an object is the rate at which it is moving. यानी कि speed क्या जाहिर करती है कि जिस rate पर object जो है वो move कर रहा है, जिस तेज़ी के साथ object जो है वो move कर रहा है, that is basically a speed. ठीक है। So, for example, अगर मैं यहाँ पर आपको draw करके बताऊँ कि हमारे पास कोई दो point हैं, एक point ये है और एक point ये है। So, यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी जो है वो मूव करेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और जितनी तेज़ी से वो मूव करेगी, दैट रिप्रेजेंट्स बेसिकली आ स्पीड। इन अदर वर्ड्स, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम, यानी कि वो कितने टाइम के अंदर, यूनिट टाइम मतलब ऐसा यूनिट्स को डील कर रहे हैं, सो यूनिट टाइम मीन्स वन सेकेंड। सो यहाँ पर यूनिट टाइम को हम एक सेकेंड दे रहे हैं। सो इसका क्या मतलब कि एक सेकेंड के अंदर बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज़ बेसिकली आ स्पीड। सो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। अगर कोई बॉडी है हमारे पास, वो वन सेकेंड के अंदर, यानी कि यूनिट टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया वन सेकेंड, सो वन सेकेंड के अंदर वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स स्पीड। अब वो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो स्लो है या फास्ट है, बस हमें इस चीज़ से मतलब है कि वन सेकेंड के अंदर जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। सो जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी वन सेकेंड के अंदर अंदर, वो उसकी क्या होगी, स्पीड कहलाएगी। ठीक है। सो ये हो गया जी हमारा कॉन्सेप्ट स्पीड का। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे हमें फॉर्मूला है जिसको हम अभी देख लेते हैं। सो स्पीड का यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, और वो फॉर्मूला क्या है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। यानी कि जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है ए से बी पॉइंट पर मूव करने के लिए, ए से बी पॉइंट पर मूव करने के लिए वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है और उसने जितना टाइम लिया, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि ए से बी पॉइंट पर मूव करने के लिए उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। सो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला निकल आया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस को हम, जैसे कि पहले भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एस, एंड स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय वी, एंड टी इज द टाइम। सो हियर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने वो रिप्रेजेंट कर रहा है एस को। वी इज इट्स स्पीड कि कितनी स्पीड है उसकी, एंड टी इज द टाइम टेकन बाय इट, यानी कि उसने कितना टाइम लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करने के लिए। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। सिंस हम डिस्टेंस जितना कवर हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, सो डिस्टेंस इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो इसका मतलब उसके एज अ रिजल्ट जो स्पीड आएगी वो भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। सो इसका हम यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। सो जितना इसने डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया है, डिस्टेंस दैट इज कवर्ड ओवर हेयर इज इन मीटर्स, और जितना उसने टाइम लिया है वो सेकेंड्स में। ठीक है। सो ये डिवाइड हो रहे थे, सो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एम डिवाइडेड बाय एस। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट। सो यहाँ पर हमारे पास ऐसा यूनिट आ गया स्पीड का, दैट इज मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू में भी आपको आ सकता है। सो आपने
हमेशा आपने माइंड में रखना है कि SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। और ये जो फॉर्मूला है इसे भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे के अंदर अंदर 70 किलोमीटर जो है वो ये कवर कर सकता है। इस ये जो अब ये जो गिवन है, ये दिस इज बेसिकली अ स्पीड ऑफ दैट चीता। ऑल राइट, सो ये हो गई जी हमारी स्पीड। सो अब आती है यूनिफॉर्म स्पीड। अभी हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ बेसिकली एन एवरेज स्पीड। अब स्पीड कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, एक स्टैंडर्ड नहीं है कि इतनी ही रहेगी। सो किसी इंस्टेंट पर वो ज़्यादा भी हो सकती है और किसी इंस्टेंट पर वो कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मूव कर रहे हैं अपनी कोई भी व्हीकल पे, बाइक पे, गाड़ी में, सो वहाँ पर आपको एक स्पीड वाला डायल शो हो रहा होता है। सो वहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जब आप मूव करते हैं तो कभी भी वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। सो वो बार बार उसकी जो नीडल है वो कभी अप और कभी डाउन शो कर रही होती है, राइट लेफ्ट मूव कर रही होती है। सो दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द स्पीड, कि कहाँ पर स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और कहाँ पर जो है वो स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। बट जो बात नोटिस करने वाली है कि वो स्पीड जो है वो जो नीडल है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, बल्कि वो हमेशा वेरी करती है इंस्टेंट टू इंस्टेंट। सो इट मीन्स दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, दैट ऑलवेज वेरी विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट। ऑल राइट, सो वो हम जब भी हम स्पीड की बात करते हैं दैट इज़ बेसिकली एवरेज स्पीड। सो वी इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम एफ। और एवरेज हम क्यों लेते हैं, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, सो वेरी कर रही होती है। सो बेसिकली जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो तब हम एक एवरेज ले लेंगे, एक स्टैंडर्ड ले लेंगे, ना कम वाली ना ज़्यादा वाली, बस एक एवरेज ले लेते हैं। सो हम स्पीड को नॉर्मली डील करते हैं इन एवरेज। इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, फिक्स नहीं होती, हर इंस्टेंट पर स्पीड जो है वो चेंज हो रही होती है। सो इसलिए हम एक एवरेज ले लेते हैं और उसी को स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं। However, if the speed of the body does not vary and has the same value, then the body is said to be a uniform speed. अब for example, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक example देती हूँ कि हमारा एक point था A और ये एक point है हमारे पास point B. So यहाँ से यहाँ तक अगर body ने move किया है, so अगर हम इस पूरे रास्ते को, इस पूरे path को हम इंस्टेंट्स में डिवाइड कर दें, पोर्शंस में डिवाइड कर दें, ये देखिए मैंने डिवीजन कर दिया इंस्टेंट टू इंस्टेंट। सो अगर जितना डिस्टेंस कवर हुआ है इस ड्यूरेशन के दौरान, जितना डिस्टेंस कवर हुआ है और इस ड्यूरेशन के दौरान जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, अगर तो ये सेम होते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट रह रहा है, इस इंस्टेंट के दौरान भी जितना डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट रहे, फिर सेकेंड इंस्टेंट के दौरान भी जितना डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट रहे, इसी तरह थर्ड इंस्टेंट के अगेंस्ट भी जो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहे, सो दैट मींस के हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म मींस फिक्स्ड, एक स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, वेरी नहीं कर रही, सो इट मींस दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। सो आई रिपीट कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ए से बी पॉइंट पर मूव किया है, सो मैंने उसके पाथ को क्या किया, डिवाइड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इंस्टेंट्स, कि मैंने फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के बाद चेक किया, नेक्स्ट मैंने इसे 2 सेकंड के बाद चेक किया, देन मैंने 3 सेकंड्स के बाद चेक किया। सो जो फर्स्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से दैट कि अगर मैं इसे ले रही हूँ 2, यहाँ से इसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर्स और यहाँ से भी इसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर्स और इस इंस्टेंट में भी इसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर और यहाँ पर भी 2 मीटर। सो हर सेकेंड के अंदर ये 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, सो इट मीन्स कि इसकी जो स्पीड है वो हर इंस्टेंट पर कांस्टेंट है, सो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ऑल राइट, सो इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यानी कि हर वन सेकेंड के बाद मैंने चेक किया, ये भी मैंने 1 सेकेंड के बाद चेक किया, अगेन मैंने 1 सेकेंड के बाद चेक किया, अगेन मैंने 1 सेकेंड। सो टाइम इंटरवल्स जो हैं वो भी मेरे इक्वल रह रहे हैं और इसके अगेंस्ट जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ कि कितना डिस्टेंस मूव किया उसने 1 सेकेंड के अंदर, वो भी कांस्टेंट रह रहा है। सो इसका मतलब कि हमारे पास जो स्पीड आ रही है वो यूनिफॉर्म है। ऑल राइट, सो यहाँ तक हो गया जी हमारा कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म स्पीड का। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होती है? सो वेलोसिटी इज velocity tells us not only the speed of a body but also the direction along which the body is moving.
तो जो हमारे पास स्पीड होती है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है बल्कि डायरेक्शन का नहीं बताती। वो सिर्फ इतना बताती है कि इतने इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, बल्कि वो ये नहीं बताती कि आपने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया। ऑलराइट, सो जो वेलोसिटी है हमारे पास वो स्पीड के साथ साथ हमें क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ बॉडी एज वेल। सो जो हमारे पास बॉडी होगी उसकी जो भी डायरेक्शन होगी उसका भी साथ साथ बताएगी। सो दो चीज़ें हमें यहाँ से वेलोसिटी से पता चली कि वो हमें स्पीड का भी बताएगी और साथ में उसकी डायरेक्शन का भी बताएगी अलोंग विच द बॉडी इज मूविंग, कि बॉडी की स्पीड क्या है और वो किस डायरेक्शन के अलोंग जो है वो मूव कर रही है। सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है कि अगर वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है सो इसका क्या मतलब कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ called its velocity. अब यहाँ पर जो displacement है that is also a vector quantity. जैसे कि हमने आपने last lecture में भी काफ़ी detailed discuss किया था कि displacement जो है उसको represent करने के लिए हमें magnitude as well as direction दोनों की ज़रूरत पड़ती है। So जब हम velocity में displacement के साथ deal कर रहे हैं so इसका मतलब जो हमारी velocity है that is also a vector quantity. So the rate of the displacement of a body, यानी कि जब भी हम बात करेंगे वेलोसिटी की तो वो क्या बताएगी कि जितना भी बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। आई रिपीट कि अगर कोई बॉडी है हमारे पास वो जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ऑलराइट, जितने टाइम में उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो वेलोसिटी हो गई, और इसी तरीके से जितने टाइम में जितना डिस्टेंस अगर कवर किया तो वो स्पीड होगी। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि स्पेसिफिक टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी होगी। सो इसी तरीके से हमारे पास एक वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी इज दैट स्पीड में जो है हम डिस्टेंस के साथ डील करते हैं और जो वेलोसिटी है इसमें हम डील करते हैं विद डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। सो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है सो हमने बोल्ड लेटर्स के साथ इसे रिप्रेजेंट किया। टाइम इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी सो इसे हमने बोल्ड नहीं किया। सो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, हमने इनको बोल्ड लेटर से शो किया है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, वी इज इक्वल्स टू डी टी, और यहाँ से जो है हमने डी का फॉर्मूला निकाल लिया, डी इज इक्वल्स टू वी टी। सो हेयर डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी वी इन टाइम टी, और यहाँ पर भी हमारे पास डिस्टेंस अगर निकालना यूनिट अगर निकालना हो सो यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है दैट इज मीटर्स, और इसी तरीके से अगर हमने टाइम की बात करें तो वो सेकेंड। सो यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का भी यूनिट हमारे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया जी हमारा वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने अभी लास्टली डिस्कस किया था यूनिफॉर्म स्पीड को, इसी तरीके से अब हमारे पास जो टर्म है दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो अब जब भी हमने ऊपर वेलोसिटी को डिस्कस किया वो बेसिकली सेम, जैसे कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती हर इंटरवल पर, इसी तरीके से वेलोसिटी भी जो है हर इंटरवल पर सेम नहीं होती, वो कांस्टेंटली वेरी करती है पॉइंट टू पॉइंट। सो जो हम वेलोसिटी की जब भी हम बात करेंगे दैट इज़ आल्सो अ एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज ले लेंगे और हम उसे फिक्स करके एज अ होल बताएंगे कि इस बॉडी की इतनी वेलोसिटी थी। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कुछ देर पहले कि स्पीड भी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती है इंस्टेंट टू इंस्टेंट, सो हम उसे भी लेते हैं एज अ एवरेज। सो एवरेज लेने का बेसिकली ये मकसद होता है कि हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे कि आप मैथ में भी करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, सो हम क्या करते हैं कि उनका एवरेज ले लेते हैं और उसको एक क्वांटिटी से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज का मकसद ये होता है कि बजाय इसके कि 5-7 क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट करें, हम उनका एक एवरेज, एक मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, एक मीन निकाल लेते हैं और उससे हम एज अ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
सो अब हम चलेंगे अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास जो वी आया है यहाँ पर, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती है। सो जब हमारे पास यूनिफॉर्म, जैसे कि अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट होना, ऑलराइट। सो जब हमारे पास हर इंटरवल पर वेलोसिटी जो है वो सेम आएगी, सो वो हमारे पास हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यहाँ पर भी मैं अगेन उसी एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है ए एंड एन अदर पॉइंट इज बी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कवर, उसे हमने ले लिया। सो इसे अगर मैं इंटरवल्स के में डिवाइड कर दूँ, 1 सेकेंड का इंटरवल, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल, ये भी 1 सेकेंड का, और ये भी 1 सेकेंड का, ऑलराइट। सो ये 1 1 सेकेंड्स के जो इंटरवल हैं, मैंने इसमें इसको डिवाइड कर दिया अपने पाथ को। सो फॉर एग्जाम्पल कि 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया, इसने भी 2 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इस सेकंड में भी 2 मीटर्स, और लास्ट वाला जो सेकंड था इसमें भी इसने 2 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो इसका मतलब कि हर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रह रही है। जैसे कि यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी सेम है, अगर मैं इस इंस्टेंट पर देखूँ तो यहाँ पर भी सेम है, अगर मैं इस इंस्टेंट पर देखूँ यहाँ भी सेम है, और लास्ट इंस्टेंट पर भी सेम है। टाइम भी उतना ही लग रहा है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही कवर हो रहा है। सो इट मीन्स दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, 2 मीटर, और हर इंस्टेंट के अगेंस्ट वो कितना रह रहा है, 2 मीटर। सो इट मीन्स हर सेकेंड के इंटरवल के दौरान इसने एक जितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया, दैट इज़ 2 मीटर। सो इट मीन्स जब वो सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल के अगेंस्ट कवर कर रही है, सो दैट बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट, एक फिक्स्ड पॉइंट है। सो फिक्स्ड के सेंस में हम लेते हैं अगर यूनिफॉर्म को, फिक्स्ड के सेंस में, कॉन्स्टेंट के सेंस में। सो जब भी यूनिफॉर्म की बात आएगी, सो इट मीन्स कि वो स्मूथ हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया। ऑलराइट, सो अगेन आई रिपीट कि अ बॉडी इज हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी, चाहे वो जितना भी छोटा इंटरवल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस हमें इस चीज़ से मतलब है कि हर इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही हो। तो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इट मीन्स अवर बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑलराइट, सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमने जो है वो स्पीड और वेलोसिटी को देखा, और फिर इनसे एसोसिएटेड टर्म्स यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखा। तो आज की हमारी क्लास का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और इन्हीं से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट तरीके से समझा सकूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट पर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपकी जो भी क्यूरी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसका प्रॉपरली आंसर किया जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपने इन दुआओं में याद रखना है और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डेवलप करना है। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद इजी लर्न। अल्लाह हाफिज़।